मोहब्बत के अब ये ऐसी मोहब्बत हासिल कैसे हो, सवाल पैदा होता कि हर आदमी चाहता है कि ऐसी मोहब्बत हमें भी नसीब हो जाए। इसका तीन तरीका है कि उम्मत को बयान करना है अपनी बात में। नंबर एक, अल्लाह ताला के एहसानात को सोचना, ये जमीन, ये आसमान, ये सूरज, ये चांद, ये ऑक्सीजन, ये तमाम दरख्त, जानवर, बकरी, मुर्गी, इतनी गोश्त, इतनी तरकारियां, सारी नियमतें अल्लाह ने पैदा की, तफसील से सोचो। और फिर मुसलमान घराने में पैदा करके ईमान अता फरमाया, नेक बंदों की वजह की और नमाज की तौफीक दी, जितनी भी नियमतें हैं, बीवी, बच्चे, रोजी, रिस्क, सब सोचिए। और हर नियमत पर अल्लाह से बातें करते रहिए कि अल्लाह आपका एहसान करम है, बिला इस्तेहार हमें हक नहीं था, आपने इतना है ऊपर बहुत ही रहमत बरसन, हमारे गुनाह तो इतने थे कि हमको सब छीन लिया जाता हमसे, मगर आपका करम है कि आपने गुनाहों को देखा और उस पर बजाय सजा के इनामा दे रहे हैं, खाने को बंद किया तुमने इतना नहीं। तो ये अल्लाह के एहसानात को सोचना, ये एक नंबर हो गया। रोजाना, इसका नाम है मुराकबा इनामात इलाहिया, अल्लाह ताला की नेमतों को सोचना और अल्लाह ताला से बातें करना कि अल्लाह आपने ये दिया या अल्लाह आपने दिया। जब आप अल्लाह अल्लाह बार बार कहेंगे तो मोहब्बत बढ़ेगी, ताल्लुक बढ़ेगा और शुक्र अदा करते जाइए कि अल्लाह आपका एहसान है कि आपने मुसलमान बनाया, अल्लाह आपका एहसान है कि आपने हमको अंधा नहीं पैदा किया दोनों आंखों की रोशनी, क्या अल्लाह आपका एहसान है कि बहरा नहीं पैदा किया, क्या अल्लाह आपका एहसान लंगड़ा लूला नहीं पैदा किया, बाते बच्चे लंगड़े लूले कैसे पैदा होते हैं, जाओ देखो प्रेस मार्केट में लकड़ी के बक्से में बैठे हुए काम टूटी हुई है कैसे कैसे सके, शुक्र अदा करें कि अल्लाह सबसे पैसे का आपने हमको सलामत की दी और शुक्र अदा करें तमाम। अब ये तो तफसील आप जानो, हर शख्स के इनामात अलग अलग है, कैसी कैसी मसायब आते हैं और अल्लाह ने टाले हैं, सब सोचिए अल्लाह से, 5 मिनट लगाइए कम से कम, जल्दी जल्दी। उसके बाद फिर दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर ये है कि थोड़ा सा अल्लाह अल्लाह कर दिया जाए। अल्लाह अल्लाह करने से ला इलाहा इल्लल्लाह एक तस्बीह, अल्लाह अल्लाह की एक तस्बीह, दुरूद शरीफ की एक तस्बीह, तिलावत कुछ मुकर्रर कर ले तो जिक्रुल्लाह की बरकत से अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा होती है। और शाह हजरत हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह ने पीली भीड़ के एक मजदूर बुजुर्ग से पूछा था कि अल्लाह ताला की मोहब्बत कैसे पैदा होती, तो फरमाया कि मियां अशरफ अली जरा हाथ को रगड़ो, तो उन्होंने हाथ को रगड़ो तो गर्मी वाले हो गया, जरा और रगड़ो कहा और रगड़ो, यहां तक आग हो गई, हाथ आग लग गई, फरमाया हजरत आपको नहीं रगड़ सकता, बिल्कुल हथेली में आग पैदा हो गई। फरमाया जब अल्लाह के बाद दूसरा अल्लाह कहोगे अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह, बार बार ये इल्लल्लाह की दरवे लगेगी तो रगड़ पैदा होगी, दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा हो जाएगी और नियत भी होनी चाहिए। ये शख्स ने पूछा कि उल मथानी रहमतुल्लाह से कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह पढ़ता हूँ, अल्लाह अल्लाह करता हूँ, दरूद शरीफ पढ़ता हूँ, नियत क्या करूँ, बड़ा नियत ही करूँ अल्लाह ताला मुझे अपनी मोहब्बत अता कर दीजिए। इस नियत से कि अल्लाह जिक्र के बाद दुआ भी कर ले कि अल्लाह ला इलाहा से गैरुल्लाह को निकाल दीजिए और इल्लल्लाह की बरकत से अपनी मोहब्बत दिल में है, आ जा मेरी आंखों में समा जा मेरे दिल में, सुभान अल्लाह फादा साहब से जिक्र नहीं लगी मित्रा पढ़ते रहो, आ जा मेरी आंखों में समा जा मेरे दिल में। देखिए फादा साहब फरमाते हैं तमन्ना है कि अब ऐसी जगह कोई कहीं होती, ये कौन फादा है ग्रेजुएट बीए है और ICS पास की हुई, मगर देखिए अल्लाह वालों की सोहबत से किस मुकाम पर पहुंचे। कहते हैं तमन्ना है कि अब ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद उनकी दिल नशीन होती, तमन्ना है कि अब ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते यार उनकी दिल नशी होती। और फरमाते हैं कि जब मैं जिक्रुल्लाह में रोता हूँ तो सितारों को ये हसरत है कि वो होते मेरे आंसू, तमन्ना कहकशा को है कि मेरी आस्तीन होती, यानी अल्लाह वाले जब अपने आंसुओं को आस्तीन में ऐसे पोष लेते हैं तो उस पर कहते हैं आस्तीन कितनी कीमती है कि कहकशा इस पर रख करती है, सितारों को ये हसरत है कि वो होते मेरे आंसू, तमन्ना कहकशा को है कि मेरी आस्ती होती। और फरमाते हैं दुनिया वालों को ख्वाजा साहब कि दिखाते हम तुम्हें अपने तड़पने का मजा, लेकिन दिखाते हम तुम्हें अपने तड़पने का मजा, लेकिन जो आलम बेफलक होता जो दुनिया बेदर्दी होती, अल्लाह अल्लाह क्या मुकाम है, दिखाते हम तुम्हें अपने तड़पने का मजा, लेकिन जो आलम बेफलक होता जो दुनिया बेदर्दी होती, तड़प तो ऊपर जाता हूँ आसमान रुकता है, नीचे आता हूँ तो जमीन रुकती है, क्या रूह बेचू दर्द मोहब्बत का आलम था, क्या आलम था, ये है ये नेमत है, ये लेके जाना है दोस्तों, ये कारोबार और मकान और दुकान दौड़ी बाल बच्ची ये तो सब छूटने वाले, यही अल्लाह की मोहब्बत का सरमाया, हमारा असली सरमाया है, यही तो थी जो इसको शाहरुल्लाह साहब ने सुनाया था बादशाहों से कि तुम क्या ले जाओगे तख्त ताज, वलीउल्लाह के सीने में देखो ये तो लेके जाएगा मुझसे रईस, तुम कहां से हो सकते हो, बादशाहों को ललकार रहे चैलेंज कर रहे। तो
तो दो दो, दो एक तो इनामात अल्लाह के इनामात का मुराकबा, नंबर दो क्या चीज बताया, थोड़ा सा जिक्र। उस दिन अल्लाह के पास बैठ गए, फिर हबीबुल उम्मत ने फरमाया कि अल्लाह से मोहब्बत कैसे मिलती है, फरमाया जैसे आदमियों से मोहब्बत करते हो, रोजाना जाके देखो किसी से 10 मिनट, रोजाना 10 मिनट किसी से मिलो, 6 महीना भी नहीं गुजरेगी क्या आपसे उसकी मोहब्बत हो जाएगी, किसी दिन न जाओगे तो इंतजार करेगा, कहेगा भाई क्या बात हो गई थी, अल्लाह ताला से 10 मिनट रोजाना बैठ जाओ, 15 मिनट, 1440 मिनट रोजाना जिंदगी अल्लाह दे रहा है, 24 घंटा, 24 घंटे का दिन रात, 1 घंटे का 60 मिनट, 60 मिनट को 24 से दर्द किया है हमने आप लोगों के लिए, जरा तफसील भी किए रहता हूँ पहले ही से, 1440 मिनट, 1400 अपने लिए रख लो खाने पीने के लिए, बाल बच्चों के लिए, 40 मिनट रोजाना बैठ के देखो अल्लाह के साथ, कुछ जिक्र कुछ तिलावत कुछ अल्लाह के साथ मुराकबा, देखिए काश आप क्या से क्या हो जाएंगे, न जाने क्या से क्या हो जाए, मैं कुछ कह नहीं सकता, अल्लाह के नाम से क्या से क्या होगा, तूने मुझको क्या से क्या शौके फिरावा कर दिया, पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना कर दिया, अल्लाह ताला देखिए अगर बादशाह के पास बैठता है आदमी तो उसके अखलाक में बुलंदी आ जाती है, अल्लाह के पास बैठने के बाद अल्लाह ताला के असरात और अखलाक उसमें मुंतकिल होते, बंदे का दिमाग और दिल में और भी बुलंदियां पैदा हो जाती, अल्लाह अल्लाह बहुत बड़ी जात के साथ मुजालसत, अल्लाह फरमाते हैं कि मुझे बंदा याद होता मैं उसका हम नजीर होता हूँ, उसका जलीस होता हूँ, यानी अल्लाह ताला हमारे साथ होती है, सुभान अल्लाह, अल्लाह से मुलाकात का एक जरिया। एक बुजुर्ग से किसी ने कहा कि आज आप मस्जिद में क्या कर रहे थे बहुत देर तक, हमें तो चाय की आदत थी, आपने मैं ऐसी रिश्तेदारी से बाजार आपके इशराफ तक बैठे रहे हूँ स्टूडेंट करने तक, क्या कर रहे थे, मेरी चाय में देर हो गई, तो कहने लगे मैं अपनी रूह को नाश्ता करा रहा था, अपनी रूह को मैं नाश्ता करा रहा था मस्जिद में इशराफ तक, तो देखिए रूह का नाश्ता तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इस तरीके से अल्लाह के साथ हमनशीनी नसीब हो जाती है, लिहाजा रोजाना जैसे किसी आदमी से मिलने से मोहब्बत होती है, रोजाना आप कुछ देर अल्लाह के साथ बैठे फिक्र फिक्र में लगे, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला के आशिक हो जाएंगे।